वेलकम बैक टू एलियम केमिस्ट्री। देर इज़ अ बिग अपडेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यानी कि HU की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, और वो नोटिफिकेशन आता है CUT PG प्रोग्राम के रिगार्डिंग। यानी अगर आप HU के अंदर किसी भी PG प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। अब ये अगर हम पोर्टल ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक पेज डाउनलोड होगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक PDF डाउनलोड होगा। बेसिकली इस PDF में मेंशन कर रखा है कि आपका जो PG के थ्रू आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन होगा, कोई सेपरेट एडमिशन या एंट्रेंस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने लिखा है कि जो कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर एप्लीकेंट्स कितने अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, हर एक कोर्स का मेंशन है, हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। मैं पर्टिकुलर बात कर लेती हूँ अपने केमिस्ट्री कोर्स की, तो बच्चा आपके मार्क्स, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम BSc में 60% मार्क्स होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप HU सोच रहे हो तो एटलीस्ट आपकी BSc में 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास तीन सब्जेक्ट में BSc कॉम्बिनेशन में, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, अगर आपने NIOS से दे रखा है, NIOS से आपका क्लियर है, NIOS से आपने मैथमेटिक्स ओपनिंग स्कूल से दे रखा है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हर एक का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि आपके पास एटलीस्ट आप उसे फॉलो करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर एडमिशन के लिए अगर मैं बताऊँ, हाईएस्ट जो मार्क्स गए हैं वो 292 मार्क्स गए हैं अपने केमिस्ट्री में, या किसी भी स्ट्रीम के जो भी हाईएस्ट मार्क्स हैं। आपको ये भी पता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, और तो यहाँ पे बच्चे एडमिशन के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो नो डाउट, अगर आपके जर्नल कैटेगरी में 220 से ज़्यादा मार्क्स हैं या 210 से ज़्यादा नंबर है जर्नल कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। साथ में आपके पास 60% होने चाहिए BSc में, ठीक है। जर्नल कैटेगरी बात कर लो, आप OBC कैटेगरी, EWS, क्योंकि इनके अंदर कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता मार्क्स का। SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपके 180 से भी ज़्यादा नंबर है तब आप यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी सीट्स के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी सीट्स, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सीट सिर्फ 10 या 20 है, काफ़ी सीट्स मिल जाएंगी आपको HU के अंदर, और बहुत बढ़िया कैंपस है। तो अगर आपके BSc में 60% से ज़्यादा मार्क्स है, मिनिमम 60% लिखा हुआ है, और CUT PG के पेपर में जर्नल में 210 से ज़्यादा नंबर है OBC EWS के अंदर, और SC ST के अंदर 180 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। और एक दो दिन में इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसकी डिटेल्स आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल पर मिल जाएंगी, तो अलियम केमिस्ट्री चैनल के साथ कनेक्ट रहिए अगर आपको इस तरह की अपडेट चाहिए कि कब एडमिशन, क्योंकि ये जो पोर्टल ओपन होते हैं ये मैक्सिमम 2 या 3 दिन के लिए पोर्टल ओपन होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं चला राइट टाइम पर तो आपका फिर CUT का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो एलियम केमिस्ट्री चैनल आपको सबसे पहले अपडेट करेगा कि किस यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो गया, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो जल्दी से एलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड शेयर मोर एंड मोर।